मैं अविनाश कुमार झा, अविनाश झा मैथमेटिक्स से। और आज का जो टॉपिक है वह दो अंकों की संख्या और तीन अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना है। इसके लिए बहुत सारे नियम है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है हम उसको सीखेंगे। तो सबसे आसान तरीका इसलिए निकाला जाता है क्योंकि आपके पास समय का बहुत अभाव होता है कंप्यूटर क्लास के लिए और जब हम एग्जाम देते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि दो संख्या का सबसे छोटी संख्या क्या होती है 10 और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99। अब इसको हम ध्यान से समझते हैं तो इसको ज्ञात करना काफी आसान होगा। सबसे पहले कोई संख्या हमने मान लिया 2/3, इस संख्या का हमने वर्ग निकाला है तो इसका स्क्वायर। अब देखो इसको क्या करेंगे, मात्र तीन स्टेप और तीन स्टेप को काफी आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इस संख्या को समझना है कि इसमें इकाई का अंक कौन सा है 3 और दहाई का अंक कौन सा है 2। तो इकाई और दहाई के अंक को लेके ही चलना है। तो पहला नियम यह कहता है कि इकाई के अंकों का वर्ग करें। तो इकाई के अंकों का वर्ग करें तो सबसे पहले यहां पर हमने लिख लिया 23 और अब इकाई के अंकों का वर्ग करेंगे 3 × 9। यदि हासिल होगा तो उसको अगला स्टेप में हमें जोड़ना, यदि ना हासिल है तो उसको ऐसे भी लिखा जाएगा। अब दूसरा स्टेप यह कहता है कि इकाई और दहाई की संख्या को गुणा करें। तो इकाई और दहाई की अंकों को गुणा करने का मतलब क्या हुआ, 3 × 6 और उसको 2 से गुणा कर देना, तो 3 × 6 = 12 यदि हासिल है तो हमने यहाँ पे लिख दिया, हाथ में बचा 1। उसके बाद दहाई के अंक को फिर से गुणा कर देना, 2 × 4 और हासिल 1 जोड़ दिया जाएगा 5। तो इस तरह से काफी आसानी शब्दों में हम स्क्वायर को निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कोई इससे बड़ी संख्या हो गया 84 और 84, इसका वर्ग निकालना है 84 का स्क्वायर। तो पहला 4 और 4 को गुणा कर देना 16, हासिल बच गया 1 तो यहाँ पे लिख लिया, और 4 × 8 = 32 और गुना 2 = 32 × 64 और 1 = 65 और फिर उसके बाद एक हासिल बचा यहाँ पे 6 और 8 × 8 = 64 और 6 = 70। तो इस तरह से किसी भी संख्या का दो अंकों की संख्या का वर्ग आसानी से निकाला जा सकता है। अब आते हैं कोई और संख्या सोचा जाए, तो यहाँ पे हमने सोच लिया 34 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, 3 × 4 और 3 × 4 4 × 16 हाथ में बचा 1, 4 × 12 8 × 24 और 1 × 25 हाथ में बचा 2 और 3 × 9 = 2 1156। सेम एज 46 का होल स्क्वायर यदि देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, 46 और 46 तो 6 × 6 = 36 हाथ में बचा 3 और 6 × 6 = 24 8 × 48 और 3 = 51 फिर हाथ में बचा 5 और 4 × 16 = 5 = 21 2 × 1 = 6। इसी तरह से कोई भी संख्या को आसानी से वर्ग किया जाता है। अब मान लीजिए कि कोई संख्या है हमें नहीं पता है तो हमें लिख दिया यहाँ पे 39 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 39 और 39 = 81 हाथ में बचा 8, 9 × 81 हाथ में बचा 8 और 9 × 27 और गुना 2 × 27 = 54 और 8 कितना हो गया 54 और 8 हो जाता है आपका 4 × 8 = 12 हाथ में बचा 1 और 54 और 8 = 62 हाथ में बचा 6 और 3 × 9 = 6 = 15 तो 1500 रुपए किसी भी संख्या को आसानी से वर्ग किया। अब मान लीजिए कि हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो इतना लिखने का जरूरत भी नहीं, ये तो हमने सीखा है कि हम 1-2 स्टेप करें और यदि हम खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो गए तो इतना लिखने का जरूरत नहीं। अब क्या करना है, 42 का होल स्क्वायर निकालना है तो इसको आसानी से दाहिने तरफ से लिखना शुरू करें, 2 × 2 और 2 / 4 और 2 × 8 और 2 × 16 क्योंकि हासिल इसमें नहीं है तो 2 × 8 = 16 = 6 हाथ में बचा 1 और 4 × 16 = 17 तो 1764 42 का स्क्वायर ठीक है।
तो ये देखिए आपका दो अंकों की संख्या का वर्ग निकालने का काफी आसान तरीका, इसको आप घर पर आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, रूम पर आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से तीन अंकों की संख्या का वर्ग निकालना, तो उसमें भी सेम प्रोसेस है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये समझना है कि थ्री डिजिट जो है उसको समझना है। प्रोसेस आपका यही वाला होगा कि हासिल है तो जोड़ दिया जाएगा और हासिल है तो उसको अगले स्टेप में जोड़ा जाएगा। अब तीन डिजिट देखिए, जैसे 325 है, इसका स्क्वायर निकालना, तो इसमें करना कुछ भी नहीं, जिस तरह से हमने वहां पर सीखा था उस तरह से हमने यहाँ पर भी सीखना। अब देखिए 325 है, इसका स्क्वायर निकालेंगे, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 205 का स्क्वायर निकाला, तो सेम प्रोसेस किया जाएगा, बस इसको इकाई मान लिया जाएगा और ये जो आपको 20 दिखाई दे रहा है इसको इकाई मान लें, जैसे x और y इसमें मान लिया था 9 और 9, उसी तरह से 5 को मान लिया जाएगा इकाई और 20 को मान लिया जाएगा दहाई। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें सेम प्रोसेस है, 5 × 5 = 25, 8 × 2 और 20 × 5 = 100 और गुना कर देंगे 2 से, तो 100 × 2 = 200 और यहाँ पे कितना हासिल है 202, तो 202 का लिख देंगे 2, उसके बाद कितना हासिल बच जाएगा 20। अब ये और ये गुना कर देना है, तो 20 × 20 = 20 400, अब 20 तो हो जाएगा 420। कोई भी संख्या सोच लेना है। अब यहाँ पे 125 का होल स्क्वायर निकालना है, तो 125 का होल स्क्वायर 12 × 5 = 12, 25 का 5, 8 × 2 और 12 × 5 = 60 गुना 2 120 और हासिल कितना हो गया 2, तो 120 और 2 = 22, 122 लिख दिया, इसको उतार दिया, अब कितना बच गया हासिल 12 × 12 = 144 और 12 × 144 = 10 = 154 / 2 = 156। तो ये काफी आसान होता है, दो अंकों की संख्या का वर्ग और तीन अंकों की संख्या का वर्ग, समझ में आ गया। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, दो अंकों की संख्या का किस तरह से वर्ग निकाला जाएगा और तीन अंकों की संख्या का वर्ग किस तरह से निकाला जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे दो अंकों की संख्या का वर्ग निकालना है, तो एक्स और वाई मान लिया गया है, या फिर कोई भी संख्या सोच लेना है, 3 × 2 = 3, इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे कितना हो गया 4, ये यहाँ से जब जोड़ दीजिए, यहाँ से नहीं है तो नहीं जोड़ना है, 3 × 2 = 6, इसको 2 से गुना कर दिए 6 × 12, 3 × 2 = 6 और गुना 2 = 12 हासिल है, तो हो जाएगा 12 × 2 हाथ में बच्चा 1, 3 × 3 = 9 = 10, 10 = 24। उसी तरह से 113 का स्क्वायर करना है, तो 113 का स्क्वायर आसानी से किया जा सकता है, 3 × 9 हासिल नहीं है तो कोई बात नहीं, 11 × 3 = 11, 33 और गुना 2 हो जाएगा 66, 66 का बच गया 6 और हासिल बचा आपका 6, तो उसके बाद 11 × 11 = 121 और 6 = 127। तो इसको आप अपने घर पर प्रैक्टिस कीजिए आसानी से, और ये समझना काफी आसान, इसको हमने किसी भी तरह से सॉल्व करना है, आसान शब्दों में यह कहा जाए कि यह आपके समय को भी बचाता है और आपका प्रैक्टिस को भी आसान करता है। प्रैक्टिस करने में भी आप धीरे धीरे करते जाए करते जाए, जितना और समय भी नहीं लगेगा और काफी आसानी से आपको कंपटीशन क्लास में या फिर आप जो भी एग्जाम देते हैं, बैंक हो, SSC हो या रेलवे हो, उसमें आप कम समय में किसी का भी स्क्वायर निकाल करके उसको जोड़ सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था कि दो अंकों की संख्या का वर्ग और तीन अंकों की संख्या का वर्ग हम शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालें। धन्यवाद अविनाश कुमार सर और अविनाश सर।